बॉलीवुड में ऐसे तो आए दिन नई नई फिल्में बनती रहती है और उन फिल्मों में नए हीरोइन और नए हीरोइन की जोड़ियां बनती रहती है। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी है जिन फिल्मों के बनने के बाद उस हीरो और हीरोइन की जोड़ियां लोगों के दिल में बस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर देखे जाए तो इन जोड़ियों को देखने के लिए फैन हमेशा एक्साइटेड रहते और चाहते कि इन फिल्मी जोड़ी को हमेशा पर्दे पर देखते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 जोड़ियों के बारे में बात करना चाहेंगे जो लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है शाहरुख खान और काजोल। जी हाँ दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से इन्होंने अपनी जोड़ी की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी है और कई बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी बनाई है। दोस्तों जब भी ये जोड़ी पर्दे पर एक साथ आती है तो समझ जाओ कि फिल्म का हिट होना तय है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखे जाए तो हिंदुस्तान में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। वही दोस्तों बात करें दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पे आते हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अक्षय कुमार की जोड़ी कई हीरोइन के साथ बनी है, वो फिर चाहे रवीना टंडन हो, शिल्पा शेट्टी हो या प्रियंका चोपड़ा हो। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखे जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अक्षय कुमार की जोड़ी किसी के साथ पसंद की जाती है तो वो है कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, इनकी जोड़ी कई फिल्मों में साथ नज़र आ चुकी है, फिर चाहे उसमें नमस्ते लंदन हो, सिंग इज किंग हो या फिर वेलकम हो, ऐसी भी बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है जिनमें इनकी जोड़ी काफ़ी सक्सेस रही और बहुत टाइम से इन्होंने साथ में कोई भी फिल्म नहीं बनाई है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों को लास्ट टाइम 30 मार्क हमें एक साथ देखा गया था, उसके बाद ये जोड़ी फिर कभी पर्दे पे नज़र नहीं आई। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के फैन हमेशा से ही इन दोनों को वापस एक साथ देखना चाहते हैं। वही दोस्तों बात करें तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पर है बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान और फिर से एक बार कैटरीना कैफ। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कैटरीना कैफ, ये दोनों भले एक टाइम पे लवर थे लेकिन आज के टाइम में भी ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अगर जब ये दोनों एक साथ पर्दे पर आ जाते हैं तो इनकी जोड़ी भी कमाल की लगती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्यार क्यों किया या फिर टाइगर जिंदा हो या फिर बहुत सारी फिल्म हो या फिर इनकी आने वाली फिल्म भारत हो, सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी भी जब किसी फिल्म में आती है तो समझ जाइए कि फिल्म हिट है। क्योंकि इन दोनों जोड़ी को भी साथ में देखने के लिए कई फैंस बेसब्र रहते हैं कि जब ये जोड़ी साथ में आएगी तो उन्हें कहीं ना कहीं इस जोड़ी को देख के एक अलग ही सुकून मिलेगा। वही दोस्तों बात करें चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर है बॉलीवुड के सिंघम और फिर से एक बार काजोल मैम। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के रियल लाइफ कपल अजय देवगन और काजोल, इनकी जोड़ी ने भी कई अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, फिर चाहे वो प्यार तो होना ही था हो या फिर टूनपुर का सुपर हीरो या भी बहुत सारी फिल्में इनके साथ में है और इन जोड़ी को हमेशा ही लोगों ने पसंद किया है। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन और काजल पर्दे पे तो अच्छे लगते हैं लेकिन साथ ही साथ रियल लाइफ में भी वो उतने ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए शायद उनकी शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी भी दोनों के बीच में जो प्यार है वो अलग ही एक मिसाल देता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखे जाए तो अजय देवगन और काजोल मैम की जोड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है हिंदुस्तान में। वही दोस्तों अगर बात करें नए जनरेशन की जोड़ी की तो दोस्तों नए जनरेशन में दो ही जोड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पहली जोड़ी की तो वो है वरुण धवन और आलिया भट्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आलिया भट्ट और वरुण धवन ने उस फिल्म में तो साथ में काम किया था लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में उनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम किया और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया बनाई और उसमें भी उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। तो दोस्तों ये जोड़ी भी कहीं ना कहीं काफ़ी पसंद की जा रही है। आपको बता दें, आप वरुण धवन और आलिया भट्ट उनके आने वाले फिल्म कलंक में फिर से एक बार साथ नजर आने वाले हैं। वही दोस्तों बात करें नए जनरेशन की एक और जोड़ी के बारे में तो दोस्तों वो जोड़ी है रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण। जी हाँ दोस्तों, एक टाइम पे एक दूसरे को से प्यार करने वाले रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण भले एक साथ रहे हो कुछ समय पहले लेकिन अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं और दीपिका पादुकोण की भले शादी हो गई हो लेकिन जब ये दोनों एक साथ पर्दे पर आते हैं तो इनकी जोड़ी भी कमाल की लगती है। जी हाँ दोस्तों, फिर वो चाहे बचना ये हसीनो हो या फिर ये जवानी दीवानी हो या फिर तमाशा मूवी हो, ये दोनों भी जब साथ में आए तो इनकी जोड़ी को भी पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों ये जोड़ी भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है।
तो दोस्तों ये थी वो कुछ जोड़ियाँ जो पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसमें से आपको सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी लगती है, एसआरके काजोल, अक्षय कैटरीना, सलमान कैटरीना, या फिर अजय और काजोल की, या फिर वरुण और दीपिका की? हमें अपनी पसंद की जोड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।